दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चीज़ लाया हूँ। देखो, एक छोटा सा टीवी, पहले चलता था ये छोटा सा टीवी, आपने शायद देखा होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, एफएम वगैरह इसमें होता था, रेडियो, एएम, एफएम, टीवी, ये चार चीज़ें होती थी। और बैंड होते थे इसके अंदर, UVHF, UHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, दो होते थे, दो बैंड। ठीक है दोस्तों, तीन बैंड है इसमें, बीच में एक VHF, अच्छा VL, VHF और UHF, तीन होते थे। ठीक है, अब ये दोस्तों इसका ना चार्जर वार्जर कुछ नहीं है, तो हम इसे ये देखना है कि ये चलता है या नहीं चलता है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसमें देखो नीचे एक सेल का जुगाड़ भी दे रखा है, तो हम इसके अंदर देखते हैं सेल का क्या जुगाड़ बन सकता है। इसको खोल कर देख लेते हैं, देखो ये है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर बड़े वाले सेल लगते थे जो बहुत मोटे मोटे आते थे पहले, अब वो आते नहीं है। कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, फिर दोस्तों फिर बहुत सारे सेल लगते होंगे, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस सेल लगते थे। दस सेल का मतलब हो गया कितने वोल्टेज हो गए दोस्तों, इस पे तो लिखा है इन्होंने 12 वोल्ट डीसी, इन्होंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 12 वोल्ट डीसी। तो 12 वोल्ट डीसी में एक कितना बड़ा सेल, दो, तीन, चार, पांच, पांच सेल का डेढ़ से लगाओ तब भी नहीं बैठते, छह से लगाओ, लेकिन छह सेल आएंगे कैसे इसके अंदर, इन्होंने तो दो दो बना रखे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस सेल दिखा रखे हैं। चलो हम देखते हैं इसका क्या जुगाड़ हो सकता है। अब हम इसमें देखेंगे, अब इसमें 12 वोल्ट का जुगाड़ बनाएंगे बैटरी का, क्योंकि इसका अडाप्टर वगैरह तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसकी अलग ही पिन आती है, वो पिन अभी यहाँ पर चलती नहीं आज कल। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका देखता हूँ जुगाड़। तो मैंने क्या करा है, वही मेरे पास जो लैपटॉप की बैटरियाँ, सबसे बढ़िया जुगाड़ मेरा हथियार है अपना, ये लैपटॉप की बैटरियाँ निकाल, इनसे बनाएंगे 12 वोल्ट। फिर हम इसे चलाते हैं, एक करेक्ट, दो तो हो गई हमारे पास, यानी कि एक होती है 4 वोल्ट के आसपास, तो हमें कितनी निकालनी है, तीन, तीन से मतलब ये चल जाना चाहिए, दो तो ये हो गई। ठीक है ना, एक, दो, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, और एक और निकाल लेते हैं इसमें से 12 वोल्ट। दोस्तों वैसे चाहे तो हम ये वाले सेल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी 4 वोल्ट का ही होता है, लैपटॉप का ही है ये भी, ये चौड़े वाली लैपटॉप की बैटरी है, और ये जो लंबी वाली जो आती है उनमें से निकलते हैं, ये भी चल सकते हैं मेरे ख्याल से 12 वोल्ट, तो ये भी बनाते ही हैं, लेकिन मेरे पास अभी एक ही है, ये इसको ध्यान देते हैं, ये वाली लगा के इसके अंदर रख लेंगे, फिर हम देखते हैं चलते नहीं चलता। बड़ी देर मुश्किल से पड़ता है, अपना हाथ पैर मत काट लेना, ये चीज़ें बड़ी खतरनाक होती है। अब इसको हम काट लेते हैं कैंची से, इसको हम काट लिया, हमें एक बैटरी चाहिए ना, एक बैटरी हमने निकाल ली, अब हमारे पास बची हैं केवल तीन बैटरियां किसी और प्रोजेक्ट के लिए, नहीं ये भी काम हो जाएंगी, हमें तो खाली हमें चला के देखना है, इसमें परमानेंट नहीं लगानी है, हमें क्या करना है, अब ये हम ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि 12 वोल्ट चाहिए होती है, चाहे आप किसी से भी चाहो, चाहे आप गोल वाले सेल लगाओ, चाहे चपटे लगाओ, चाहे कैसे भी लगाओ, उससे मतलब नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए उसके कंपेटेबल उतनी वोल्टेज और उतनी एम्पीयर की जरूरत होती है, चाहे वो मोबाइल हो तो मोबाइल में एक लगेगी, है अब कोई 7 वोल्ट की चीज़ होती है, कैमरा होते हैं बतरे 7.2 वोल्ट के, उसमें दो लग जाएंगी, किसी में ये अब यहाँ पर तीन लगेंगी, अब 12 वोल्ट है तो हम यहाँ पर तीन वोल्ट से चलाएंगे, तीन बैटरियों से। ठीक है, अगर वोल्टेज कम रह गई तो हम एक और लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन 12 के आसपास, 12 की ज़्यादा देर 12.5-13 तक तो संभाल लेगा, उससे ऊपर दोगे तो ये फूक जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इन बैटरियों को नाप लेते हैं पहले, इनकी वोल्टेज कितनी है, सही भी है कभी ये बैटरी ख़राब हो। हमने अपना कंटिन्यूट पे कर लिया और इसको नाप लेते हैं बैटरियों को कि इसमें कितनी वोल्ट आ रही है। ये 3.7, एक और ये दूसरी है,
3.72 और ये हो गए 3.7। इसमें तो कमा रही है दोस्तों, बहुत खराब है तो लगता है, नहीं सही आ रही है, 3.7 ही है। ठीक है, 3.7 यानी कि लगभग होगी ये 3×9 और 7×21 9 तो 11 साढ़े 11 हाँ दोस्तों चल जाएगा अपने में। ठीक है, 11 साढ़े 11 वोल्ट पे चल जाती है, कोई चीज़ 12 वोल्ट वाली हो तो आराम से चल जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे बंद और सबसे पहले हम ये देख लेंगे इनके प्लस माइनस किधर है, फिर हमें उसको जोड़ना होगा आपस में। इसके लिए एक मार्कर लेता हूँ, मैंने एक मार्कर ले लिया, जैसे इसका ये माइनस है इसका प्लस है, यानी कि बड़े वाला हिस्सा जो है इनके प्लस है, ये छोटे वाला माइनस है। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये छोटे वाला हिस्सा है माइनस और जो बड़े वाला हिस्सा है ये इसका प्लस 2, और ये इसको ऐसा और करते हैं, ये छोटे वाला हिस्सा इसका माइनस और ये बड़े वाला हिस्सा इसका प्लस। ठीक है, ये हो गया 3। अब ये 3 हो गया, एक बार और चेक कर लेते हैं, कभी गलती होगी तो बड़ा भूल जाएगा बैटरी में। ठीक है, ये प्लस भी लगाया है लाल तो प्लस ही है। ठीक है, दूसरा माइनस है, ये प्लस भी लगाया प्लस। ठीक है ना, सही आ रहा सब कुछ। सर और चेक कर लेते हैं बस लास्ट, और फिर इसको जोड़ते हैं आपस में और फिर टीवी में चला के देखते हैं। बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया, तीनों बैटरी फर्स्ट क्लास है। इसको अब देते हैं ठाके, इसका काम हो गया ख़त्म और इसको भेजते हैं अभी इसके घर चाय पीने। थोड़ी देर बाद आएगा मल्टीमीटर, जब हम तार जोड़ लेंगे। अब हम इसको भी रख देते हैं साइड में, ये अंकल जी को भी रख दो साइड में, और हम लगाते हैं आयरन और इसके लगा देते हैं पीछे से, करंट दे देते हैं बेचारे को। ये लो, हमने दे दिया करंट, अब इसको गर्म होने दो, उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, आयरन गर्म हो गया है। ठीक है, अब हम इस पर सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करेंगे इसमें, इसमें करना क्या है, ऐसे प्लस माइनस तीनों को जोड़ देंगे। अगर आपको सीरीज बनानी है तो एक दूसरे के साथ जोड़ती है, ये बन जाएंगे अब हमारी यहाँ से यहाँ तक 12 वोल्ट। अगर आप सिंगल सिंगल ऐसे ले लोगे तीनों को एक तार ऐसे के साथ, तो ये बन जाएगा पैरेलल सीरीज, तो वोल्टेज उतनी रहेगी लेकिन क्या है, बैकअप बढ़ जाएगा। वोल्टेज 3.7 ही रहेगी लेकिन बैकअप बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे लोगे तो बैकअप कम हो जाएगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ लेते हैं एक दूसरे को। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, हमें 3 टुकड़े चाहिए तार, एक इसके साथ जुड़ेगा एक इसके साथ जुड़ेगा, तो ये तार ले लेते हैं, औजार की मदद से इनको छील लेते हैं जो मेरे पास है, ये रहा मेरा बढ़िया औजार, सबसे बढ़िया जुगाड़ लगता है मुझे तार छीलने का। लोग बार कटर करते हैं, काट देते हैं, फिर बार बार कट जाता है, सबसे बढ़िया जुगाड़। इसमें कभी भी तार वेस्ट नहीं होता, कटिंग नहीं होती, जैसे कहीं पर प्लास ज़्यादा दब जाता है तो एक तार रह जाते हैं, कुछ जल रह जाते हैं कटने, कुछ ज़्यादा कट जाते हैं, वो टेंशन नहीं रहती। पर हमने सोल्डिंग पेस्ट लगा ली क्योंकि बिना इसके फ्लक्स के तो ये चिपकेगा ही नहीं ना, तार मज़ा नहीं आता, ड्राई सोल्डिंग हो जाती है, तो उतर जाता है बार बार। अब हम इसमें सोल्डिंग करेंगे, फिर हम उस टीवी को चला के देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा। दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा स्किप करके फिर आपको लगा सकता हूँ क्योंकि हो नहीं पाता। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने इसमें आपने दिख रहा है सोल्डिंग लगाई ली है, अब हम इसकी वोल्टेज नापते हैं कितनी वोल्टेज बनी है इसके अंदर। ये रहा मल्टीमीटर, ये लैपटॉप की पुरानी बैटरी में से मैंने निकाली है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं वोल्टेज कितनी बनती है। इसका प्लस माइनस, दोस्तों देखो 11.33 इस पे चल जाएगा। ठीक है, 12 वोल्ट के आसपास होना चाहिए तो कोई भी चीज़ तो 11.5 तक संभाल लेती है, चल जाती है वो चीज़।
ठीक है दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे, टीवी में लगाएंगे वोल्टेज को, इसको रख देते हैं अलग ठाके। अब हम टीवी में देखेंगे प्लस माइनस कौन से हैं इसके, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा दोस्तों। इसमें ये तार है आ रहे हैं यहाँ से, तार तो ये है इसका, दो तार आ रहे हैं दोस्तों। देखो अंदर से इसमें तार लगे हुए हैं यहाँ से, यानी कि यही सबसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे कंबाइंड हो रहे हैं। जो पहला पॉइंट होगा लास्ट वाला होगा ना, जो पहला पॉइंट होगा लास्ट वाला होगा वो इसके तार पावर होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है। देखो लाल तार आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका, ये देखो लाल तार आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर दे भी रखा है ये पॉजिटिव के लिए। देखो ये रखा है पॉजिटिव निशान, ये इधर दिखाता हूँ मैं आपको करके, ये देखो ये दे रखा है पॉजिटिव, पॉजिटिव निशान दे रखा ना, तो इसका मतलब ये प्लस हो गया और दूसरा अपना आपके माइनस हो गया ये वाला, ठीक है। तो हम इसमें माइनस जोड़ देते हैं, इसमें प्लस, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर इसको कर देंगे बंद। कहाँ से होगा ये, ऐसे कर देते हैं, इसको रख देते हैं इसके अंदर दोस्तों। तो खतरा टकराने का खतरा है ना इसका, तो इसको क्या करते हैं इसके ऊपर ही रख देते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो दोस्तों मैंने इनको ऐसे रख दिया, अब हम इसके पावर लगाते हैं। इसकी पावर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ये रेड वाला था तो रेड वाला प्लस था इसका, तो होल्डिंग कर देते हैं इसके ऊपर दोस्तों। दोस्तों हर चीज़ के लिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती, थोड़ा बहुत अपना भी माइंड यूज़ करना होता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, ये खुद देखना होता है। अब जैसे मैंने इस पर प्लस का निशान है इसलिए मुझे आसानी होगी सब चीज़ की, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर सोल्डिंग कर दूँगा। सोल्डिंग ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, इसके ऊपर एक तार और भी है, सही तार लगा हुआ था दोस्तों इसलिए नहीं लग पा रहा था, अब सही से लग जाएगा। देखो लगा दिया है मैंने सही से, अब एक माइनस वाला, माइनस वाला जिसका माइनस वाला है दिखा देता हूँ मैं आपको, और फिर हम देखते हैं दोस्तों इसमें स्क्रीन आएगी नहीं आएगी। सोल्डिंग लगा लेते हैं, टेस्ट फ्लक्स थोड़ा सा, बड़े दोस्तों ये तो चल गया। अरे वाह, ये देखो दोस्तों ये तो चल गया है, कामयाब हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं, दोस्तों बंद कर रहा है, सही चल रहा है। ये इसका बैंड है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ये टूटा हुआ है इसका, इसलिए चैनल तो आएंगे नहीं। हाँ ये है इसके अंदर आपका, मेरे ख्याल से इसके अंदर आपका सेटअप बॉक्स चल जाएगा आराम से, ठीक है। मेरा काम इसको चलाने का था बस, ऑन नहीं हो रहा था, तो अब इसको हम ऑन करके देखा है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं आएगा, सेटअप बॉक्स लगा के ही चलेगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें,
फिर मैं आपको फ्यूचर में ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा लाला के। दोस्तों मैंने ये टीवी अपना बहुत पहले का रखा हुआ है, बहुत बचपन का रखा है, इसका करीब 25 साल पुराना टीवी है, क्योंकि इसका चार्जर वार्जर सब खो गया था। मैंने सोचा इसको एक वीडियो बनाई जाए, आपको दिखाया जाए पहले कितने छोटे छोटे टीवी भी आते थे। ये कहीं भी 12 वोल्ट से लेके हम कहीं भी लेके बैठ जाते थे, इसको बैटरी लगा के इसके अंदर सेल थे और ये चला लेते थे इसको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब भी।